नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग कन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा यानी दमा को जड़ से ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। उससे पहले साथियों, यह चर्चा कर लेते हैं अस्थमा होता क्या है। हमारा फेफड़ों की सूजन को हम अस्थमा कहते हैं। इसके 4 कार्डिनल सिस्टम होते हैं, कफिंग, वीजिंग, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसी आना, खरखराहट आना, सीटीएसी आवाज़ बजना, सीने में कसाव आना और सफोकेशन होना। अगर यह 4 सिम्टम हैं तो यह जो है वो अस्थमा, हम समझ सकते हैं कि अस्थमा हमें हो रहा है, ऐसी संभावना है। फिर साथियों, दूसरा पॉइंट जो आता है, अस्थमा में होता क्या है। अस्थमा में साथियों, जब हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं तो यह हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में एल्वियोलाई होते हैं जो हमारे इनहेल करी हुई एयर से ऑक्सीजन को बॉडी में एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, यह एल्वियोलाई के माध्यम से होता है। जब इन एल्वियोलाई में सूजन आ जाती है और इसमें म्यूकस जमा हो जाता है तो यह जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है ब्लड में लंग्स के माध्यम से, यह नहीं हो पाता है ठीक से और हमारी सांस फूलने लगती है। इसी कंडीशन को अस्थमा कहते हैं। साथियों, अब अगर आपको अस्थमा हो गया है किसी को, तो इसको दूर कैसे करा जाए। होम्योपैथी में इसकी बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको सफोकेशन महसूस हो रहा है, सफोकेटिव टाइप आपको अस्थमा हो रहा है, जो रात में 12 से 2 बजे के बीच में आपको अटैक पड़ता है और आप लेटते से उठ जाते हैं, अगर यह कैफियत आप में हो रही है तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 आपकी दवा है। इसको आप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद ले लें। आपका जो है सांस फूलना बंद हो जाएगा और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे। दूसरी दवा साथियों है एंटीमटाट। अगर आपको कंजेस्टिव टाइप अस्थमा यानी सीने में जकड़न हो गई है, आप डैम्प जगह पर रहते हैं, सीलन वाली जगह पर रहते हैं और डैम्पनेस के कारण आपको रैटलिंग टाइप म्यूकस आ रही है, आवाज़ के साथ, गड़गड़ाहट के साथ अगर म्यूकस आ रही है, तो आपके लिए निश्चित रूप से दवा एंटीमटाट है। इसको आप दिन में 200 दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आप अगर 2-2 बूंद जुबान पर ले लेते हैं तो आपको जो है इस तरह का अस्थमा ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी, जिसमें आपको रैटलिंग टाइप ऑफ कफ हो, जकड़न और खरखराहट के साथ, म्यूकस के साथ आपको सांस फूल रही हो। तीसरी दवा साथियों इपिका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत खांसी आ रही है और आपका चेहरा खांसते खांसते नीला पड़ गया है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही से, जैसा हमने आपको बताया, एल्वियोलाई से नहीं हो पा रहा है, तो आपकी दवा इपिका है। इपिका 30 आप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद जुबान पे ले सकते हैं, उस स्थिति में जब आपको बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो और बहुत खांसी आ रही हो, तो यह आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा करेगी। इसी श्रृंखला में साथियों चौथी दवा है नैट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ 200 हम लोग अपने क्लिनिक पे वीकली देते हैं, हर हफ्ते देते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं। नेट्रम सल्फ उस केस में कारगर है जब आपको पीले रंग का बलगम आ रहा हो और म्यूकस निकल रही हो और आपकी सांस फूल रही हो, आप शिकायत करते हो रोज़ सुबह पीला बलगम आता है, उस केस में नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी दवा है जो आपके लिए बहुत कारगर है। इसको आप वीकली 200 पावर में वीकली डोज ले सकते हैं। आपका अस्थमा जड़ से क्योर होने में यह बहुत मदद करेगी। फिर साथियों पांचवी दवा है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया जो है ड्राई कफ हो रहा है, बहुत सूखी खांसी लगातार आ रही, सीना बिल्कुल सूख गया है मरीज कह रहा है और उसके बहुत सूखापन, रूखापन अंदर से हो रहा है, तो उसके सोरनेस हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया 30 आप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद सीधे जुबान पे ले सकते हैं। आपको यह बहुत लाभ देगी, आपको अस्थमा से निजात पाने में बहुत हेल्प करेगी। फिर साथियों इसकी छठी दवा है नक्सोमिका। नक्सोमिका एक जानी मानी दवा है जो हम लोग बहुत सी बीमारियों में देते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अस्थमा की नक्सोमिका बहुत अच्छी दवा है, उस केस में जब आपको शाम और रात को अस्थमा के अटैक पड़ते हों, शाम और रात को आपको अस्थमा की तकलीफ होती हो, उस केस में साथियों नक्सोमिका 30 आप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद जुबान पे ले लें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। फिर साथियों एक सब दवा हम लोगों की सबकी सुनी होगी काली सल्फ। काली सल्फ साथियों उस स्थिति
के अस्थमा की बहुत अच्छी दवा है। जब आपको लगातार खांसी आई जा रही है और आपको रूखापन सूखापन एक सीने में ड्राइनेस आपको महसूस हो रही है, उसके लिए काली सल बहुत अच्छी दवा है। 30 पावर में दिन में 3 बार आप इसको भी ले सकते हैं ड्राई कफ के लिए, जिसमें गर्म चीज़ें लेने से आपको आराम मिलता है, उसके लिए काली सल्फ बहुत अच्छी दवा है। उसके अलावा काली सल्फ बच्चों में अस्थमा की बहुत अच्छी दवा है। इपिका और काली सल्फ, यह दोनों दवा अगर नेट्रम सल्फ अगर दी जाती है बच्चों को, तो यह बच्चों के अस्थमा की बहुत अच्छी दवा है। फिर साथियों दवा आती है एक ब्राइटा कार्ब 30। आप बुजुर्ग लोगों को अगर अस्थमा है, जिनको इतना बलगम हो गया है कि उनमें यह ताकत ही नहीं बची है कि वो उसको बाहर कर सकें, उस बलगम को निकाल सकें, उस केस में ब्राइटा कार्ब 30 दिन में 3 बार बुजुर्ग लोगों को आप दे दें, उनका अस्थमा क्योर हो जाएगा और वो ठीक होने में उनको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, बलगम उनका सारा साफ हो जाएगा। साथ ही इसी कड़ी में एक सेनेगा दवा है जो आप बुजुर्ग लोगों को दे सकते हैं, अगर उनको कंजेशन बहुत ज़्यादा सीने में हो रहा है और उनको जो है खांसी आ रही है और सांस फूल रही है, तो सेनेगा 30 भी बहुत अच्छी दवा है बुजुर्ग लोगों के लिए। इसके अलावा साथियों ब्रोमियम, अगर आपको सीने में कसाव महसूस हो रहा है, कंजेशन टाइप हेडेक हो अस्थमा हो गया है, तो अगर सीने में आपको बहुत ज़्यादा कसाव महसूस हो रहा है तो ब्रोमियम 30 से अच्छी दवा नहीं हो सकती। दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप ब्रोमियम 30 दे दें तो आपके सीने का कसाव ख़त्म हो जाएगा और आपको दमा में पड़ने वाले अटैक को भी आप कम पाएंगे। फिर साथियों एक दवा आती है कि थोड़ा सा हम चले और हमारी सांस फूलने लगी, तो अस्थमा ड्यू टू एक्सर्शन की बहुत अच्छी दवा है ब्राइनिया। ब्राइनिया 30 दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप उस मरीज को दे सकते हैं जिसकी चलने पे सांस फूल रही हो, जीना चढ़ने पे सांस फूल रही हो, उसके लिए ब्राइनिया बहुत कारगर दवा है और उसको बहुत लाभ देती है, उसको ठीक कर देती है। फिर साथियों एक दवा आती है कि सर्दी लगी और सांस फूलने लगी, तो अगर आपको कोल्ड हो रहा है, आपको सर्दी हो रही है और उससे आपकी सांस फूल रही है, तो एकोनाइट 30 आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह बहुत कारगर दवा है, बहुत लाभप्रद दवा है और यह मरीज़ को ठीक करने में बहुत मदद करती है उस केस में जब सर्दी लगने से उसकी सांस फूलने लगी है, अस्थमा ड्यू टू कोल्ड। एकोनाइट 30 दिन में 3 बार 2-2 बूंद जुबान पर सुबह दोपहर शाम। फिर साथियों एक और केस आता है जो अस्थमा में स्थिति उत्पन्न होती है कि धूल गर्दा आई और सांस फूलने लगी, तो अगर धूल गर्दा आने से आपकी सांस फूल रही है, धूल से आपकी सांस फूल रही है, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है पोथोस 30 दिन में 3 बार 2-2 बूंद देने से आपको जो धूल और धुएं से सांस फूलने की समस्या है वह बहुत हद तक आप निजात पा जाएंगे। और आप कहीं गुजर रहे होंगे और कहीं थोड़ी बहुत धूल उड़ गई तो आपको तुरंत जेब से निकाल के पफ नहीं खींचना पड़ेगा, वो स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। इसके साथ साथियों और कुछ अच्छी दवा है जिसमें कि सेम्ब्यूकस अस्थमा में बच्चों की सबसे अच्छी दवा है। इपिका और सेम्ब्यूकस यह दो दवा ऐसी हैं जो 30 पावर में 3 बार आप बच्चों को अगर सांस फूल रही है, अस्थमा की शिकायत है, तो आप उनको दे सकते हैं, उनको इससे अस्थमा के परमानेंट क्योर होने में बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। फिर साथियों कुछ और दवाएँ हैं जो हम आपको बताते हैं मदर टिंचर के रूप में होम्योपैथी में आती हैं, जैसे ब्लाटा। अगर आपको पस की तरह बलगम निकल रहा है और सांस फूल रही है, अस्थमा की शिकायत है, तो ब्लाटा बहुत अच्छी दवा है। 20 बूंद सुबह शाम ब्लाटा का मदर टिंचर आप आधे कप गुनगुने पानी में पी लेते हैं तो आप निश्चित रूप से आपका सांस फूलने से रुकने में बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर एक साथियों दवा आती है स्पीडोस्पर्मा। अगर आपकी एक्जर्शन से सांस फूल रही है तो स्पीडोस्पर्मा 30 आप 10 ड्रॉप सुबह शाम ले सकते हैं, इससे भी आपकी सांस फूलने से रोकने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपने को बेहतर और एक्टिव महसूस करेंगे। इसके अलावा साथियों मेफाइटिस एक बहुत अच्छी दवा अस्थमा की है। ये साथियों कुछ दवाएं थी अस्थमा के बारे में, अस्थमा आपसे निजात पाने में और आपको जानकारी देने में कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको कुछ दवाओं की पहले से खुद जानकारी हो, ऐसी हमारी इच्छा रहती है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ भारत मिशन के तहत यह भारत सृजन की तरफ से आपके सामने प्रोग्राम है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786
9415786380 पर आप अपनी समस्या हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका संतोषजनक और कारगर उत्तर दे पाएँ, या फिर आप YouTube में कमेंट पोर्शन में अपने कमेंट रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें आपका सवाल का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। ये साथियों एक छोटा सा प्रयास था डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक की तरफ से अवेयरनेस को रेस करने का, होम्योपैथी के दवाओं के बारे में आपको जानकारी देने का, ताकि आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको पहले से अपनी दवाओं के बारे में कुछ ABCD मालूम हो, आप समझ सकें भी डॉक्टर आपके साथ इंसाफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथियों आपसे हम जो है वो अब विदा चाहेंगे, आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको लाभ का लगा हो, आपने इससे जानकारी पाई हो, तो इस वीडियो को औरों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें वीडियो को, इससे थोड़ा बहुत लोग हमें भी जान जाएंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लोगों को सही दवाओं के बारे में एक जानकारी मिल जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें एक अदृश्य शक्ति मिलेगी। धन्यवाद।